आज मैं आपके लिए एकदम स्पंजी मार्केट जैसा छेना का एक रेसिपी लेकर आया है, जो बनेगा प्रेशर कुकर में। घंटा के काम मिनटी में हो जाएगा। सारे ट्रिक के साथ मैं आज आप लोगों के साथ रसगुल्ला का रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल भी नहीं फटेगा, एकदम मार्केट जैसा स्पंजी तुला तुला होगा। और घर का चीज भाई घर का चीज ही होती है, एकदम शुद्ध और एकदम हेल्दी है। तो 1 लीटर दूध से 50 से भी ज़्यादा रसगुल्ला बनेगा। तो चलते हैं शुरू करते हैं आज का रेसिपी। तो दूध तौली में नहीं चिपकेगा, इसलिए मैं पहले लिया थोड़ा सा पानी। अभी मैंने इसमें डालूंगी 1 लीटर दूध। ये 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, 1 लीटर से थोड़ा सा 100-200 ग्राम का ज़्यादा दूध था मेरे पास लिया। तो गैस को चालू कर दिया। अभी इसमें उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी। और एक साइड में देखिए, यहाँ पर एक कटोरी में मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, और ये 2 चम्मच मैंने लूँगी विनेगर। मैं आज दूध को फाड़ूंगी विनेगर से। आप चाहें तो नींबू का रस में भी दूध को फाड़ सकती है। यहाँ पर देखिए दूध में आ गया है उबाल। इसी समय पर आप क्या करेंगे, गैस को एकदम कम कर देंगे, नहीं तो गैस का आप बंद ही कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा सा जो विनेगर वाला पानी है ना, इसे देकर मिक्स करना होगा। धीरे धीरे करके ये दूध फटेगा। एक बार में हम सारा पानी नहीं डालेंगे एक जगह पर, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो चुकी है। इसी समय पे बहुत सारे लोग ये गलती करती है कि गैस को हाई पर रखते हैं और ये काम करती है। बिल्कुल नहीं, गैस को आप एकदम लो कर दीजिए, नहीं तो बंद ही कर दीजिए। तो ये बहुत ही बढ़िया से फट गया है। अभी मैं इसे बहुत जल्दी लेकर छान लूँगी, ताकि ये जो छेना है ना, छेना का पानी में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए, तो हमारा छेना अच्छा नहीं होगा। तो इसे बहुत जल्दी लेकर मैं छान लिया है। छानने के बाद ये जो छेना वाला पानी है ना, ये छेना वाला पानी से मैं 2 चम्मच रखूँगी। यह हमारा आगे काम में आएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी। और यह छेना पानी से आप आटा गूँथ सकती है, नहीं तो कोई भी रेसिपी में यूज भी कर सकती है। अभी छेना को बहुत जल्दी ठंडा पानी में धो देना होगा, ताकि ये जो छेना का पानी था ना, ये पानी इसी के साथ बहुत जल्दी अलग हो जाना चाहिए। और छेना को हम बहुत जल्दी ठंडा कर देना ही चाहिए। तो पहले आप छेना को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, तब आप जो भी इसमें रेसिपी तैयार करेंगे ना, सब अच्छा ही होगा। तो अभी इसमें जितना पानी है इसे निचोड़ कर निकालूंगी। इस तरह से एक सॉफ्ट कॉटन मैंने लिया है कपड़ा, इसमें डालकर इसे इस तरह से निचोड़ लूँगी। आप चाहे तो इसे 5-10 मिनट के लिए इस तरह से एक प्रेशर करके कोई भी बर्तन का ऊपर रख भी सकती है। देखिए छेना में सारे पानी मैंने निकाल दिया है, ये सभी को एक थाली को ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ और एक ट्रिक भी शेयर करूँगी। आप जब भी छेना को मसलती है ना, इस तरह से हथेली में मसलती है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये ट्रिक दूंगी। ये जो कटोरी, इस तरह से आप कटोरी लीजिए जिसका बीच में ये प्लेन होती है, ये प्लेन वाला कटोरी में मैं इस तरह से मसल मसल करके इसे सॉफ्ट बनाऊँगी। इस तरह से छेना मसलने से हमको प्रेशर भी कम होगा और छेना बहुत जल्दी सॉफ्ट बन जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगे तो नीचे एक लाइक का बटन है इसे ज़रूर दबा देना, ताकि मुझे पता चल जाएगा आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगेगा कि नहीं। नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकती है, जो भी है एक कर दीजिए ना ज़रूर। तो ये देखिए हमारा छेना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही बढ़िया से ये डो बनकर रेडी हो गया है। इसी स्टेज पे मैं और एक सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी स्टेज पे ना आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लीजिए। 1 लीटर दूध में 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर, ये छोटा वाला चम्मच से। मैंने यहाँ पर 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा दूध लिया था, तो और थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर की जगह से मैदा भी यूज कर सकती है। तो इसे देकर मिक्स कर दूंगी। तो बहुत ही बढ़िया सा डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये डो से अभी मैंने छोटा छोटा लोइया निकालूंगी, जिस तरह से रसगुल्ला का लोइया होती है इस तरह से। आज का रेसिपी सबसे अलग है भाई। अब तक जिस चीज को भी रसगुल्ला तैयार करना नहीं आती है, रसगुल्ला तैयार करने का समय में रसगुल्ला फट जाती है, अच्छी तरह से नहीं बनती है, ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो करना। बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं। तो ये देखिए दोनों हथेली के बीच में ना एक रसगुल्ला को मैं इस तरह से घुमा घुमा कर गोलमोल किया है। दोस्तों ये भी एक बड़ा बात है, जब भी आप रसगुल्ला का लोहिया को इस तरह से गोलमोल घुमाती है ना, इस तरह से तैयार कीजिएगी, एकदम सॉफ्ट तो रहेगा, इसके साथ साथ कोई जगह पे भी क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इस तरह से हथेली में घुमा रहा हूँ, कोई भी क्रैक नहीं है। इसी प्रोसेस से मेरे पास जितना भी लोहिया है मैं तैयार कर लूँगी।
तो फाइनली देखिए मैं इसी तरह से सारे लोइया तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने रसगुल्ला का जो लोइया है ना थोड़ा सा बड़ा किया है, इसलिए मेरा 35 रसगुल्ला हुआ है। यहाँ पर आप थोड़ा सा छोटा भी कर सकती है। तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर गैस में मैंने एक लिया है प्रेशर कुकर, इसमें जाएगा 1 कप चीनी और ये कप में मैंने 3 कप लूँगी पानी। मैंने पहले आपको बताया था ना आज का रसगुल्ला बनेगा प्रेशर कुकर से। हाँ भाई, घंटे का काम मिनट में होगा, देखिए बहुत ही आसान। तो यहाँ पर मैंने 2 हरे इलायची लिया है, इस तरह से इसे तड़ कर लूँगी। यहाँ पर पानी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है ताकि ये जो रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला को ये चाशनी में ही पकना होगा। अभी मैंने जो पहले 2 चम्मच पानी रखा था ना पनीर में बचा कर, ये 2 चम्मच पानी यहाँ पर यूज करूँगी ताकि रसगुल्ला ख़त्म होने के बाद हमारे पास चाशनी बच जाती है। ये चाशनी बहुत दिनों तक फ्रेश रहेगा, कोई भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए मैंने ये पनीर का पानी 2 चम्मच रखा था। ये चाशनी को हम एक तार दो तार नहीं करना होगा, इस तरह से एक बार उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए चाशनी में आ गया है उबाल। अभी मैंने जो रसगुल्ला का तैयार करके रखा था ना, एक एक करके इसमें डाल दूंगी। एक एक करके डालना है भाई, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, यदि आप एक साथ में इसे डाल देंगे तो ये बिखर जाएगा। तो रसगुल्ला को तो मैं सब डाल दिया है, अभी मैं गैस को कर दूंगी मीडियम। मीडियम फ्लेम पर ये जो प्रेशर कुकर का ढक्कन है ना, ये ढक्कन को पहले मैं सीटी नहीं लगाऊंगी, इस तरह से इसका ऊपर ही रख दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखिए, वाह, रसगुल्ला कितना बड़ा साइज से हो गया ना, लेकिन ये अभी तक अंदर तक नहीं हुआ है। अभी मैं क्या करूँगी, गैस को इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही इसे ढक्कन देकर छोड़ दूँगी। 2 सीटी आने के बाद ना मैं गैस को बिल्कुल ऑफ कर दूँगी और इसे इस तरह से छोड़ दूँगी बिल्कुल ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे चेक करेंगे। 2 सीटी मारने के बाद मैं गैस को ऑफ कर दिया था और अभी देखिए इसका अंदर गैस भी नहीं है और ये बिल्कुल ठंडा हो चुकी है। अभी हम ये प्रेशर कुकर का ढक्कन को खोल देंगे और ये देखिए हमारा रसगुल्ला बहुत ही बढ़िया से हो चुकी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मैंने पहले आपको बताया था ना हमारा रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट स्पंजी बनेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकती है ना, ये तेल नज़र आ रहा है। मैंने जो दूध लिया था ना, ये देसी गाय का दूध है। देसी गाय का दूध में बहुत सारा मखाना है। मैंने मखाना का तो नहीं निकाला था, इस तरह से दूध को फाड़ दिया था, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारा तेल नज़र आ रहा है। अब तक आपने बहुत तरीका से रसगुल्ला बना चुकी होगी और खा भी चुकी होगी। इस तरीका से प्रेशर कुकर में बहुत ही कम समय में एक बार रसगुल्ला तैयार कीजिए और देखेंगे सबका पसंद होगा। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बना है भाई, मार्केट का रसगुल्ला के साथ ये टक्कर देगा, कोई भी पहचान नहीं पाएगा आप इसे घर पर तैयार किया है। देखिए कितना स्पंजी है और ये भीतर की तरफ देखिए एकदम जालीदार बना है, बिल्कुल जिस तरह से मार्केट का रसगुल्ला होती है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा आज का रेसिपी इंटरेस्टिंग लगा है, आप मुझे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर एक नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।